पहले बताओ बस्तर जाने में क्या दिक्कत है? बस्तर जाने में क्या दिक्कत है मुझे? बस्तर क्यों? पैसा क्यों ऐसे ही? गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। तबीयत हो चुकी है एकदम ख़राब, एकदम नेक्स्ट लेवल की। बट मम्मी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अभी आए हैं हम लोग फूल लेने। हम लोग, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, बट मेरी माता जी ने ज़बरदस्ती करके उठा के लेके आ गया। भाई कसम से तबीयत इतनी ख़राब लग रही है ना। और इनको देखो, इनको देखो फूल ले रही हैं। भाई साहब, ये कुमारी का जो नर्सरी है ना, बहुत अंडररेटेड है, बहुत कम लोगों को ही मालूम है इसके बारे में। देख रहे हो, हर टाइप का फूल वूल मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि स्पॉन्सर है, फ्री का ही बता रहा हूँ, जिसको आना है आ सकते हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत सही जगह है। बाकी यार इतनी तबीयत ख़राब है भी ना, मैं बोल रहा था मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मैं मेरी तबीयत सही नहीं है, कम्बल वम्बल ओढ़ के लेटा था। तो बोलते क्या डोकरे बूढ़े लोगों के टाइप ऐसे लेटा है, ये नहीं कि जाऊँ घूमूँ दोस्त लोगों के साथ। बोलते लड़की लोगों के साथ घूमू, ये नहीं। लो भाई लेके मम्मी आ गए फूल दो ठोक जबरदस्ती का। क्या भाई हो गई खुश? तबीयत खराब में लेके जा रही हो, बच्चे को परेशान कर रही हो। भाई चलो अब चलते हैं घर। भाई कसम से अब मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा अभी, मैं तो बस्तर जाऊंगा। तो क्या दिक्कत है बस्तर जाने में? मुझे बताओ पहले क्या दिक्कत है। बताओ ना क्या दिक्कत है। नहीं, आप मुझे बताओगी कि बस्तर जाने में क्या दिक्कत है? हाँ, दिन भर घर में कुछ कुछ करते हैं, सब्जी नहीं आई आज तक। पहले बताओ बस्तर जाने में क्या दिक्कत है? बस्तर जाने में क्या दिक्कत है मुझे? बस्तर हमने क्यों पैसा क्यों ऐसे ही? मेरी मर्जी नहीं, मैं तो बस्तर जा रहा हूँ अपने दोस्त लोग के साथ। नहीं क्यों, भले बने या न बने कंटेंट, पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। पर मुझे तो जाना है ना बस्तर, लोगों को देखना है। लोग का बस्तर है मैन? हाँ, लोगों को बस्तर घूमना है। ज्यादा दूर भी नहीं है, बाइक से चले जाऊंगा। भाई आज की व्लॉग सोच रहे होगे ना तुम कि कितना ऊट पटांग बनाया है, मतलब सुबह शाम रात दोपहर और अब फिर रात में आगे आना, तब पता नहीं क्या बोलने वाला है यार। पहले कंबल ओढ़ लेता हूँ। देखो हुआ क्या है ना, मेरा तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हुआ क्या है कि फीवर हो गया एक तो अंदर से, और फीवर भी हो गया है, बुखार भी, बुखार फीवर तो एक ही होता है, सर्दी हो गया है, नाक जाम हो गया है, गला दुख रहा है, समझे, ऐसा वाला हिसाब हो गया। और सब सारे दुख दर्द समझ लो एक साथ ही आ गए हैं। तो इसी चक्कर में मैं ना सुबह सोचा व्लॉग बनाने का, स्टार्ट करने का, बट सुबह मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कंटेंट ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊंगा कैसे करूंगा करके मैं नहीं बनाया। फिर सोचा जाऊंगा यशवंत भैया के यहाँ, भिलाई टाइम्स जाने का प्लान बना था, भैया लोगों से मिलना था यार, भिलाई टाइम्स वाले भैया लोग से, सारे लोगों से भैया लोग से मिलना था, तो उनके साथ भी प्लानिंग था। फिर कुछ बिजी थे भैया थोड़ा, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर मेरे फ्रेंड्स से मिलने का प्लान था, वो कैंसिल हो गया। फिर दोपहर टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और पूरा दोपहर लेटा था, सोया था। फिर शाम को मेरी मम्मी चिल्लाई कि क्या बूढ़े लोग टाइप लेटा रहता है दिन भर, ये नहीं कि जाऊँ थोड़ा घूमूँ फिर ये वो करूँ। तो फिर थोड़ा बाहर निकला तो सही में थोड़ा अच्छा लगा, मेडिसिन खाया, बाकी अभी ठीक हूँ। तबीयत भी ठीक है, नॉर्मल है। सर्दी तो है ही यार, सर्दी बहुत बहुत दिमाग का दही करके रखा है। बाकी यार मैं ना अभी एक और चीज़ बताता हूँ, मैं अभी एम्स गया था। एम्स लोग पूछ रहे थे कि क्यों गया था, स्नैप डाला था। तो यार एम्स में इसलिए गया था क्योंकि मेरे चीक्स पे देखो, ये देखो दिख रहा है, ये निशान गड़बड़ चीज़ों के निशान नहीं है, ये निशान है, ये पता नहीं मेरे ब्लड में कोई कुछ दिक्कत है तो उस चीज़ के निशान है। तो वो चीज़ को ठीक के लिए मैं गया था हॉस्पिटल, तो ठीक है, वो उन्होंने बताया मेरे को कि एक्चुअल में कुछ गलत चीज़ का ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये निशान जो पड़ रहा है ना वो कुछ और ही का है, तो क्रीम वगैरह पता नहीं दुनिया भर के दिए हैं तो वो लगाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो यार यही अपडेट। बाकी यार 5K का बहुत ज़्यादा सबको खुशखबरी है यार, सबको शुभकामनाएं। ऐसे ही 5,000 को 10,000 बनाना है। थोड़ा सा पावर कम लग रहा होगा यार, क्योंकि अभी भी जान रहा समझ रहे हो तबीयत ठीक नहीं है, तो इस चीज़ के लिए यार सो सॉरी। बाकी यार एक्सप्रेस मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ,
थैंक यू सो मच सभी लोगों को यार, मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 5000 में वो 5000 लोगों को, आपको सबको धन्यवाद है। और ये मेरी आर्मी नहीं है यार, ये मतलब ये आपने बनाई है। मुझे एक छोटे से लड़के को, एक छोटे से शहर के, कुम्हारी के शहर के लड़के को इतना आगे बढ़ाया है, आप ही ने बढ़ाया। थैंक यू सो मच यार, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यार जितने लोग मिलेंगे सबको पार्टी दिया जाएगा। पार्टी यार बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करने का सोचा हूँ मैं, बस थोड़ा सा समय दे दो मेरे को, थोड़ा सा टाइम दे दो। सब कुछ को अच्छे से मैनेज किया जाएगा, सब कुछ को देखा जाएगा, सब कुछ को एकदम संभाला जाएगा, मेरे तरफ से रहेगा सब कुछ एकदम बढ़िया जाएगा। यार ये वाली ब्लॉग ना मतलब कहीं बाहर की नहीं है, बातें सुन लो यार मेरी, कोई तो यार ज़िंदगी में हो ना यार, तुम हो ना मेरी ज़िंदगी में। मेरी कोई सेटिंग थोड़ी है कि मैं अपनी सेटिंग से जाके बात करूँ और उससे अपनी दुख सुनाऊँ, तुम ही हो जो मेरी ज़िंदगी हो। और ये भी ज़िंदगी सिर्फ वन साइडेड है, समझ लो, मतलब एक होता है ना क्रश वाला कि मैं वन साइडेड बोलूँ और दूसरे साइड से कुछ नहीं। तो अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम रिप्लाई थोड़ी कर सकते हो अभी, तो ठीक है यार। अब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी लोगों को यार दिल से। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, इमोशनल मोमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए, लाइफ में लगा नहीं था कि हम इतना रैपिड ग्रो करेंगे, इतना अच्छा ग्रो करेंगे। काफ़ी लोग अपने लोग ही कोशिश किए थे कि मैं ये सब ना कर पाऊँ, यूट्यूब पे ना आऊँ, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया गया था स्टार्टिंग में ही मेरे अपनों ने ही। बट टाइम उस टाइम ऐसा था कि जो दो लोग चार लोग ही देखते थे ना मेरी वीडियो, उन्हीं ने ऐसा सपोर्ट किया कि नहीं यार आनंद भाई बनाना है तो बनाना है। मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ, तो इसलिए मैं अभी तक कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। ये वाले व्लॉग को यार यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। कल का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का सोचूंगा, तबीयत ठीक हुआ तो। तबीयत की वजह से मैं थोड़ा सा डिले कर सकता हूँ व्लॉग्स को, तो यहीं तक ये वाली वीडियो को रखता हूँ। गुड नाइट है भाई सभी लोगों को। अब मेरे मुँह से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतना ज़्यादा तबीयत का खराबी है। तो ठीक है, ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Like, share, subscribe.